रोवर है जहाँ पे लोग नहाते भी हैं। तो भक्सुना वाटरफॉल है ना, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है। मेरे जो पीछे वॉल है। सो गाइस हम नीचे उतर आए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग। सो टुडे इज टू सेकेंड डे ऑफ आवर रोड ट्रिप और हम रेडी हो गए हैं। ब्रेकफास्ट भी हमने ऑर्डर कर दिया है, सो वी आर वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद हम लोकल मैक्लॉडगंज में जितनी चीज़ें हैं, लाइक एक डल लेक है, एक चर्च है, भक्सुना टेम्पल है, फॉल है, तो वो सब कवर करेंगे। और जितना बाकी उसका है धर्मशाला का, वो हम मोस्ट प्रोबेबली कल जब वापस जाएंगे डलहौजी की तरफ तब हम उसको कवर करेंगे। और अभी यहाँ पे धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, ज़्यादा ठंड इस टाइम पे तो नहीं लग रही बट मौसम और व्यू बहुत ही बहुत प्यारा है। सो हमने ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। yes. और हमने मंगवाया है परांठा आलू और गोभी का विद कर्ड एंड इडली सांभर फकायरा। लेट्स स्टार्ट, इट लुक्स कि हम यमी है, खाते हैं, भूख लग रही है। वैसे व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने का एक अलग ही मजा होता है विद बालकनी, चिलिंग बालकनी में बैठे हुए अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। सो हम निकल गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे है डल लेक, सेक्रेट डल लेक, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो जिस तरफ धूप नहीं है ना उस तरफ लग रही है ठंड। कश्यप पानी के पास नहीं जा रहे हैं, वैसे भी नीचे नहीं उतरने वाले हैं क्योंकि पानी बहुत गंदा है। तो बस इतना ही है डल लेक में। हम जा रहे हैं पहले भक्सुना टेम्पल, वुलन की स्वेटर्स, शॉल्स, श्रग्स, डेकोरेटिव आइटम्स। मंदिर ऊपर जाके यहाँ पे हमें अपने चप्पल डालनी है, उसके बाद हम जाते हैं मंदिर में आपको दिखाते। सो ये है यहाँ का भक्सुना टेम्पल, ये है मेन मंदिर और यहाँ पे होता है यज्ञ। हमने भगवती लगा ली इस टेम्पल से लेके, चलो आगे चलते हैं।
रोवर है जहाँ पर लोग नहाते भी हैं, बट पता नहीं मुझे इस पानी में कौन नहाता होगा, बहुत ठंडा है। और उसमें स्पेशली इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखी हैं कि जिसको स्विमिंग नहीं आती वो उसमें ना जाए, बिकॉज इट सीम्स टू बी लाइक डीप। तो पीछे से कहीं से आ रहा है पानी, जा रहे हैं बक्सुनाथ वाटरफॉल। यहाँ से इसका रास्ता है, तो बक्सुनाथ वाटरफॉल है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। देखो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम देखते हैं जहाँ तक जाया जाएगा, अदरवाइज फिर वापस हो जाएंगे। क्योंकि वो वहाँ है ऊपर, वो वहाँ है। फाइनली हमने मन बना लिया कि हम जाएं। चल पाओगे बस, यहाँ पे बीच में कैफेज भी हैं, चाय के लिए चिप्स विप्स कोल्ड ड्रिंक। अब होगी असली जद्दोजहद जंग, पर हम जीत रहेंगे। क्यों कह रहा है ना, वन थिंग हमें जो पता चला यहाँ पे आके वो ये कि ये जगह सिर्फ वाटरफॉल के लिए फेमस नहीं है, बट इस वाटरफॉल के नीचे शिव जी का स्थान था, तो इसलिए ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पे इतने लोग आते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है पूरा, और ये येलो कलर में चिप्स है, मैगी है। यार ये थोड़ा रास्ता ना स्ट्रेसफुल है। तो ये दिख रहा है मैं वाटरफॉल, दिखने वाटरफॉल अभी और ऊपर है जहाँ हमें जाना है, बट अब पास ही है। हाँ ज्यादा दूर नहीं है, और बीच में मतलब अप डाउन सब है। रितेश डोंट टेल मी कि वो सीढ़ियाँ चढ़नी है, नहीं चढ़नी है, श्योर? ठीक है, वहाँ पे ऊपर भी कुछ सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर लोग दिख रहे थे मुझे, तो आई गॉट स्केयर्ड कि वो भी चढ़नी है क्या, बिकॉज कायरा के साथ चढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऑल द नाउ शी इज़ रनिंग बिकॉज यहाँ पे थोड़ा प्लेन एरिया है। मेरे जो पीछे वॉल है, और यहाँ पर मैडम को भी कर हमने बहुत सारी फोटोज खिंचवा ली है, रील्स बनवा ली है, अब चलते हैं। कुछ लोग पंडित जी को हाथ भी दिखा रहे हैं। ये कह रहे थक के बैठ गई है डोरिटोज लेके। सनसेट होने वाला है।
रहा है। अब देखिए नदी कहाँ पे है, यहाँ पे प्यारा व्यू रखा है, अभी बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे है। अब यहाँ पे हो गई ठंड, हमारी नोज फ्रीज हो रही है, गाड़ी चढ़ने में भी कुछ नहीं कर रही है हमारी गाड़ी पावर पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चलाने में। तो देखो वहाँ पे सनसेट हो रहा है, तो हम इसलिए जा रहे हैं सनसेट व्यू पॉइंट, जो कि हमारे रिजॉर्ट के पास ही है। चलो चलते हैं। सो गाइस, हम नीचे उतर आए हैं और हम नदी सनसेट व्यू पॉइंट के पास ही थे, बट वी आर लेट, तो सूरज ऑलरेडी डूबने लगा था, तो वो हम यहीं से व्यू का मज़ा ले रहे हैं। गाइस, दिस इज़ व्हाट आई कॉल्ड अ परफेक्ट ट्वाइलाइट। सो स्काई कलर ग्रेडिंग इज़ क्वाइट यूनिक एंड इट्स टोटली अनइमेजिनेबल। सो बस आप लगातार इसको सीन को देखते रहो बस, जब तक कि पूरा सनसेट नहीं हो जाता। एंड अनदर थिंग इज, एक तरफ पूरा आपको ऐसा दिख रहा है और जो दूसरी साइड है वहाँ पे अंधेरा हो चुका है। बस ऐसे करके सनसेट भी देख लिया। अरे हम अपने रिसोर्ट में वापस आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। अब लिटरली शिवरिंग, जब तक यहाँ पे धूप रहती है तब तक तो वहाँ पे अच्छा लगता है, बट उसके बाद जैसे सूरज ढलना शुरू होता है ना, इतनी चिल्ड हवा चलती है कि आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। एंड कल हमें यहाँ से निकलना है और हमारा सेकंड डेस्टिनेशन पे हमें जाना है। अब हम रूम में जाते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज, वी आर बैक टू आवर रिजॉर्ट। दिस वॉज डे टू आवर ऑफ आवर ट्रिप और वी इन्जॉयड अ लॉट। आज हमने मैक्लोडगंज में जो मेन अट्रैक्शन है वो कवर किया था। तो हम गए थे सबसे पहले डल लेक, देन बक्सू टेम्पल, देन बक्सू वाटरफॉल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया। आफ्टर दैट वी वेंट टू तिब्बतन मार्केट। हमने कुछ तो उसका नाम नहीं पता मुझे, जिसके अंदर मेटल बाउल में पानी भर के रोल करते हैं, तो हमने वो शॉपिंग करी। एंड उसके बाद हम गए सनसेट व्यू पॉइंट, जहाँ से हमने सनसेट देखा। बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत पूरा एक रेड लाइनिंग थी, राइट पूरा। एंड इवन वो चीज हमारे को हमारे रिसोर्ट से भी दिखती है थोड़ी सी, तो वो भी हम ब्लॉग में डालेंगे, तो आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे डे 3 के ब्लॉग में, जिसमें हम मैक्लोडगंज से डलहौजी के लिए जो हमारा ट्रिप है वो स्टार्ट करेंगे। कल हम ऑल धर्मशाला भी जाएंगे, हम धर्मशाला के कुछ जो मेन अट्रैक्शन है वो करेंगे, और एक अभी दलाई लामा टेम्पल भी बचा है, बिकॉज वो जो बंद हो गया था, तो हम सबसे पहले मॉर्निंग में वहीं जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो शेयर करिए। टिल देन, गुड बाय।